हजरात ये जो कुमकुमे लगे हुए हैं इन बल्ब और कुमकुमों को रोशन करने का नाम शादी नहीं है। हजरात ये गजरे सजाने का नाम शादी नहीं है। ये फूलों की मालाएं लगाने का नाम शादी नहीं है। ये डीजे वीजे का नाम शादी नहीं है। ये सारे इंतजामात का नाम शादी नहीं है। बारात ले जाने का नाम शादी नहीं है। सर पर सेहरा बांधने का नाम शादी नहीं है। गले में टाई लटकाने का नाम शादी नहीं है। फिर शादी क्या है? इसलिए कि हजरत मोहतरम ये सारे इंतजामात हो मगर हजरत निकाह ना हो, सुन्नत निकाह को अदा ना किया जाए तो मुझे बताओ क्या शादी हो सकती है? हजरत डीजे वीजे ना हो तो शादी हो सकती है? ये सारी रोशनी का इंतजाम ना हो शादी हो सकती है? ये माइक्रोफोन का इंतजाम ना हो शादी हो सकती है? ये जलसा और जुलूस का इंतजाम ना हो शादी हो सकती है? बिरयानी और कौरमे का इंतजाम ना हो शादी हो सकती है? फूल और गजरों का इंतजाम ना हो शादी हो सकती है? ये सजावट और जीनत ना हो शादी हो सकती है? मगर सुन्नत निकाह अदा ना किया जाए तो हर किस शादी नहीं हो सकती। इसलिए कि शादी मुस्तफा जाने रहमत शमे बजमे हिदायत नौशाए बजमे जन्नत की प्यारी प्यारी सुन्नत निकाह का नाम शादी है। जब तक सुन्नत निकाह की तामील ना होगी तब तक शादी हरगिज नहीं हो सकती। तो शादी मेरे आका की प्यारी सुन्नत का नाम है। हजरात शादी ना मुकम्मल रहेगी अगर सुन्नत निकाह की तामील ना की जाए। इसलिए कि मुस्तफा की सुन्नत अल्लाह की बारगाह में ऐसी मकबूलियत रखती है कि कोई भी इबादत नबी की सुन्नत के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। आप अगर वुजू करें तो हजरत मोहतरम आप जानते हैं वुजू में कोहनियों समेत हाथ धोना फर्ज है। आप जानते हैं दोनों कानों की लो से पेशानी के बालों की जलों से ठोंडी के नीचे तक आपके चेहरे का धुलना ये फर्ज है। आप जानते हैं चौथाई सर का मसह करना फर्ज है। आप जानते हैं दखनों समेत पांव धोना ये फर्ज है। मगर हजरात ये फर्ज तो अदा हो सकते हैं, वुजू तो हो सकता है मगर अभी वुजू नामुकम्मल है। इसलिए कि मुस्तफा की सुन्नत है आप गट्टे तक हाथों को धुलें कह दें सुभान अल्लाह। मेरे नबी की सुन्नत है आप कुल्ली करें कह दें सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है आप अपनी नाक में पानी चढ़ाएं कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की सुन्नत जब सुन्नत की बरकत में शामिल होती है तब इबादत मुकम्मल होती है। अगर सुन्नत शामिल ना हो तो इबादत नामुकम्मल रहती है। यही तो शान है मुसलमान की, यही तो पहचान है मुसलमान की कि अगर उसके काम में सुन्नत की बरकत शामिल ना हो तो वो काम पूरा नहीं रह सकता। और अगर सुन्नत की बरकत शामिल हो जाए अल्लाह की कसम वो अधूरा नहीं रह सकता। इसलिए कि खुदा को आपकी मिदहत पसंद आती है, हर एक अदाए रिसालत पसंद आती है। सर हो सजदे में तो दिल सूए गुंबदे खज़रा, खुदा को ऐसी इबादत पसंद आती है। है नारे मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने ताजुश्रिया हजरत अल्लामा मौलाना शफीउल कादरी साहिब कुबला अज़ीज़ी नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत। तो आप समझ गए ना शादी किस चीज का नाम है? सुन्नत मुस्तफा का नाम शादी है और उस सुन्नत को सुन्नत निकाह कहा जाता है। अगर सुन्नत नुका निकाह अमल में ना लाया जाए, निकाह ना हो और बारात वापस आ जाए तो दुल्हा दुल्हन की अज़दवाजी जिंदगी हजरत मोहतरम नहीं जुड़ सकती, ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। हो सकता है ऐसा? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो सुन्नत मुस्तफा का नाम क्या है? शादी है। मगर हजरत देखें सुन्नत की बरकतें, जब अल्लाह के रसूल की सुन्नत की बरकतें शामिल होती हैं तो मुसलमान की शान यह है कि उसका काम मुकम्मल होता है। और जब तक सुन्नत मुस्तफा की बरकतें शामिल ना हो वो अधूरा रहता है।
ना मुकम्मल रहता है या फिर सिरे से शुरू ही नहीं होता। हजरात और देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकतें, जब दुल्हा बारात लेकर अपनी ससुराल जाता है तो आप जानते हैं कि जब ये दूल्हा गया बारात को साथ लेकर और ससुराल पहुंचा तो सारे अहले ससुराल, दूल्हा मियाँ कहाँ है साहब, कहाँ है दूल्हा मियाँ, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे भांजे मोहम्मद अनीस ये दूल्हा बनकर के अपनी ससुराल बारात लेकर के जाएंगे और मुस्तफ़ा की सुन्नत की बरकतों की सआदतें हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको पाए तकमील तक पहुँचाए। तो सुन्नत की बरकतें देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह की बरकतें देखें, कितनी प्यारी सुन्नत है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम कितनी प्यारी सुन्नत है ये। हजरात जब ये दूल्हा बारात लेकर के अपनी ससुराल पहुँचता है तो आप जानते हैं कि बारात में कोई नौजवान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कोई नौजवान कितने ही खूबसूरत सूरज की निकलती शुआओं की तरह रुखसार वाला क्यों ना हो, कोई नौजवान बारात में हजरत नरगिसी आंखों वाला क्यों ना हो, कोई नौजवान बारात में हजरत मोहतरम काली काली घनी जुल्फों वाला ही क्यों ना हो, कोई नौजवान बारात में चांद की चांदनी जैसी चमकती पेशानी वाला ही क्यों ना हो, कोई नौजवान इस बारात के अंदर कितना ही खूबसूरत और हजरत मोहतरम हजरत गुलाब की पत्तियों की तरह खूबसूरत लब वाला और होठों वाला ही क्यों ना हो, कोई इंसान बारात में हजरत मोहतरम कितना ही कड़ियल क्यों ना हो, कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितना ही हसीन सूरत क्यों ना हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मगर हजरात अहले ससुराल उस बारात वाले इंसान को नहीं देखते। जितने भी ससुराल वाले होते हैं हजरात सबकी निगाहें अगर जमी होती हैं तो फकत दूल्हा की पेशानी पर जमी होती है। सबकी निगाहों की तीर का निशाना सिर्फ दूल्हा की पेशानी हुआ करती है, सबकी नजरों का नजारा सिर्फ दूल्हा का चेहरा हुआ करता है। हजरत मोहतरम ये सुन्नत निकाह की बरकतें हैं कि हजरात सबकी निगाहें टिकी हुई हैं तो सिर्फ दूल्हा की पेशानी पर टिकी हुई हैं। बारात में कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो मगर हजरात किसी की नजर बाराती पर नहीं है, फकत दूल्हा को सबकी निगाहें तक रही हैं, सबकी नजरें दूल्हा की राह में अपनी पलके बिछाए हुए हैं, सबकी राहें दूल्हा को तो सबकी निगाहें दूल्हा को देख रही हैं, सबकी नजरें दूल्हा के चेहरे को देख रही हैं। हजरात मोहतरम अब ये दूल्हा चाहे काला कलूटा ही क्यों ना हो, चाहे ये लंगड़ा लूला ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही ये लाकर और कमजोर क्यों ना हो, मगर हजरात सबकी निगाहें कहाँ जमी है, फकत दूल्हा की पेशानी पर, आखिर दूल्हा की पेशानी पर ये नजरें क्यों टिकी हुई हैं, क्यों जमी हुई हैं? तो आपका जवाब होगा कि सुन्नत निकाह की सआदत हासिल करने के लिए जो खास तौर पर आज निकला है इन सारे लोगों में उस वो नौजवान है जिसके सर पर शादी का सेहरा बंधा हुआ है, तो फकत मुस्तफा जाने रहमत की एक सुन्नत की बरकत यह है कि अहले ससुराल कुर्बान हो रहे हैं। अगर ये नौजवान अपनी सारी जिंदगी को अपने नबी की सुन्नतों का जामा पहना ले तो अहले ससुराल ही नहीं अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी कुर्बान हो जाएं, अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी कुर्बान।